कार फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर इस कड़कड़ाती ठंड में अगर आपको घर पे बना हुआ टोमेटो का गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको बता रही हूँ कि घर पे टोमेटो का सूप कैसे बनाना है। एकदम सिंपल रेसिपी है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बटर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े क्यूब बटर लिया है कढ़ाई में। उसमें डाल देंगे हम तेज़पत्ता 1, उसमें डालना है लहसुन की कलियाँ 4 से 5, और इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। फिर उसमें जाएगा प्याज बारीक कटा हुआ, इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे गाजर। यहाँ पे मैंने एक गाजर को है वो काट लिया है बड़ा बड़ा, और इसको डाल दिया है। हम इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 4 से 5 टमाटर जो है उसको अच्छे से धो के बारीक काट लिया था, उसमें हम डाल देंगे कढ़ाई में। हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को जो है हमें अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे मैं हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखो यहाँ पे टमाटर और गाजर जो है वो पक के तैयार है। अब हम इसको मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको जो है बारीक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। ये जो पेस्ट है अब हम उसको छान लेंगे। तो एक छलनी की मदद से हम इसको अच्छे से छान लेंगे। जो पल्प जो है वो अलग कर लेंगे, और जो टमाटर के बीज वगैरह होते हैं वो अलग हो जाएंगे। इस तरह से हमें पूरे सूप को अच्छे से छान लेना है। ये हमारा क्रीमी जो है सूप वो बन के रेडी है। अब हम एक कढ़ाई में ये जो टमाटर का पल्प है, जो सूप है, हम उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा उबाल आने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखो इस तरह से कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर आपको सूप ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप थोड़े से 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें डाल सकते हो, उससे सूप ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, और यहाँ पे हम डाल देंगे चीनी। चीनी डालने से जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है अच्छे से। अब ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको उबाल आने के लिए रख देंगे। देखो यहाँ पे जो है उबाल आ रहा है इसको अच्छे से, इसको ऐसे मिक्स करते रहना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखो 5 मिनट के बाद जो है हमारा गर्मा गर्म सूप एकदम बन के रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखो बहुत ही गाढ़ा सूप ऐसे बन के एकदम रेडी है। अब हम उसके ऊपर डाल देंगे मलाई। यहाँ पे मैंने मलाई से उसको अच्छे से गार्निश कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा सूप बन के एकदम रेडी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।